नहीं है प्री पोजिशन को। प्री पोजिशन हमने लास्ट कम्प्लीट कर दिया था, लास्ट हाफ कम्प्लीट कर दिया था, सॉरी गाइस, आज हम उसको कम्प्लीट करने वाले हैं। सो प्री पोजिशन आए हो आप सब पढ़ के आए होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको प्री पोजिशन बताया था, ग्रेड बताया था, बैटर वगैरह के बारे में बता दिया था एंड फोर पढ़ा दिया था। सो आज हम स्टार्ट फ्रेजर भी पढ़ा दिया था हमने, तो फिर आज हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद वाला हमारा टॉपिक है ऑफ, मतलब जो ऑफ जो प्री पोजिशन है वो किस किस के साथ में यूज होता है। सो उसको अच्छे से आप रिवाइज करते जाइएगा एंड नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ऑफ ऑफ कोई बता सकता है मुझे किस किस साथ में होगी यूज? हर सिंपल वर्ड के साथ में ऑफ का यूज भी हो जाता है। लाइक क्या देखिए, मैं आपको लिखवाई देती हूँ, उससे आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो लिखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हाँ आप इसको जल्दी से राइट डाउन कीजिए और फिर मैं आपको अच्छे से बताऊँ, अच्छे से साथ साथ मैं इसको नोट डाउन करते जाऊँगा, आपको रिवाइज भी होती है। यूज होती है, ठीक
ठीक है, इसको जल्दी से राइट डाउन करो आप सारे, फिर मैं आपको आगे वाला टॉपिक कर, आगे वाला टॉपिक नहीं मतलब इसके बाद ही 6 पॉइंट। जिन सेंटेंसेस में आपके ये सब वर्ड आपको देखने के लिए मिले उसमें टू का यूज होगा, लाइक अडैप्ट, एग्री टू प्रपोजल। अडैप्ट होता है किसी की मतलब किसी चीज को अडॉप्ट करने से बना है अडैप्ट। एग्री टू प्रपोजल किसी का प्रस्ताव है, वो साइलेंट है इस टाइम, इसको क्या बोलते हैं लिसन। लिसन के लिए हम क्या
प्रीपोजिशन यूज करते हैं टू, टुक अ पर्सन, टुक टू अ पर्सन, किसी पर्सन को कुछ देना या लेने के सेंस में। एल्यूड, एल्यूड होता है कि जैसे किसी हम चीज को मिक्सअप में लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एल्यूड। एडायर, एडायर होता है किसी चीज का डर या किसी चीज की एंग्जायटी होना, चिंता होना। कन्फाइन, कन्फाइन, कन्फाइन का मीन्स होता है किसी को कॉन्फिडेंटली कुछ कन्फर्म करना। एंड अटेंड, अटेंड होता है किसी चीज का अटेंशन पाने के लिए। यील्ड, यील्ड होता है किसी चीज को मिक्सअप पैकअप करने के लिए। एंड लास्ट आपका बचता है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट होता है किसी सेंस में आप किसी चीज को बता रहे हो उन सब के सेंस में। तो आप इसको जल्दी से राइट डाउन कीजिए प्लीज, आप इसको जल्दी से राइट डाउन कीजिए प्लीज, फिर आगे का टॉपिक आपको कंप्लीट करवाते हैं। तो आगे का टॉपिक है हमारा टू कंप्लीट हो गया, ऑफ कंप्लीट हो गया। तो आगे के सिर्फ दो पॉइंट रहते हैं हमारा जो फिक्स में आते हैं, इसके बाद है हमारा फ्रॉम। शॉर्ट फॉर्म में हम किसी किसी चीज में ना
जनरली सर ऐसे लिखते हैं समथिंग समथिंग, तो हम क्या लिख सकते हैं, और एस टी एच ये क्या होता है, समथिंग का ही सेंस देता है एस टी एच। तो मैं कुछ कुछ जगह पे आपको मेरे एस टी एच लिखने को मिलेंगे जिससे आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसका मेन से क्या होता है समथिंग। तो फ्रॉम समथिंग इम्प्रेस किसी मतलब चिंता में होना, वी वेंट प्रेफरेंस से लेकर है डैब किसी चीज को डैप्ट करने से, अलाइट अलाइट फिर चीज के लिए, एक्सक्लूड किसी चीज को बाहर निकालने के लिए, प्रोटेक्ट किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लास्ट है आपका ड्राइव ड्राइव करने से, सॉरी लास्ट नहीं है डर से, डेजर्ट होता है ना डेजर्ट जो हम देखते हैं मरुस्थल में डेजर्ट होता है उससे, डेजर्ट हो गया फिर लास्ट आता आपका रिकवर किसी चीज की पूर्ति करना, उसके सेंस भी क्या होता है रोई का। सो ये वर्ड्स आपको जिस जिस सेंटेंसेस में देखने को मिले उसमें हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज। अभी तक जो मैंने आपको फ्रॉम ऑफ फॉर टू ये सब कराई, क्या है आपकी फिक्स प्रीपोजिशन है, बैटल वाली कराई थी, अगेंस्ट फाइट अगेंस्ट वाली करवाई थी, कॉम्बैट करवाई थी, ये सब क्या है आपकी फिक्स प्रीपोजिशन है। अब इससे आगे बढ़ते हैं फिक्स प्रीपोजिशन के, मतलब मैंने तीन पार्ट्स बताए थे आपके, फिक्स्ड है, नो प्रीपोजिशन है, और आपको लास्ट में क्या बताया था कि ऐसे जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन लेते हैं। सो आपका फर्स्ट टॉपिक जो हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो होता है कंप्लीट। आप इसको जल्दी से राइट डाउन कीजिए गाइस प्लीज, और अच्छे से रिवाइज करते रहिए। एक क्लास बचती है आपकी
इन्वेस्टिगेट स्ट्रेस आपके पर्सनल में ये सारी उनके साथ में क्या है आपको वो अपनी पोजिशन में यूज करना है। राइट डाउन करो इसको जल्दी से, इसके एग्जांपल आपको गाइड में अच्छे से मिल जाएंगे। अभी मुझे एग्जांपल कुछ याद नहीं आ रहे हैं, बाकी जब आप आओगे रेगुलर अपडेट्स दोगे स्कूल में तो मैं आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगी, तो हम सब सारा क्लियर करवा दूंगी। तो आगे बढ़े, आगे हम चलते हैं ऐसे, मतलब फिक्स भी हो गया, नो की पोजीशन भी हो गया, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस की पोजीशन। जब कर दो इसको राइट डाउन कर दिया होगा। अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, खूब पढ़िएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।